हम आपको एक ऐसे फनकार से मिलवा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। ये है अपनी तर्ज का वाहिद फनकार अरशद इकबाल मुगल। अरशद इकबाल मुगल न्यू शादबाग की तारीख गली के एक छोटे से मकान में रिहाइश पजीर है। उसने एक ऐसे फन को इख्तियार किया कि जिसने उसको पूरी दुनिया में मुनफरिद बना दिया। इस फन को उसने माइक्रोन एंग्रेविंग का नाम दिया, यानी सोने के एक छोटे से जर्रे पर अपने ही इजाद करदा औजारों से ऐसी तस्वीर बनाना जो सिर्फ खुर्दबीन से ही नजर आ सकती है। उसने एक मिलीमीटर के भी 25वें हिस्से पर कलमा मुबारक, कायद आजम, गैर मुल्की सरबराहान, परिंदों और जानवरों की तस्वीर कंधा करके दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। दुनिया के अंदर जितने काम अब इस तरह के हुए छोटे साइज में, तो माइक्रोन एंग्रेविंग का जो काम है जो मैंने किया है वो दुनिया में जो ना दूसरे मुल्कों में भी, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, सब जगह पे इसको मतलब बहुत पसंद किए गए, मीडिया की कवरेज भी मुझे मिली। 17 फरवरी 2004 में बीबीसी न्यूज टीवी पर अरशद मुगल का इंटरव्यू नशर हुआ तो बैनुल अक्वामी शोहरत उसका मुकद्दर बनी। अरशद मुगल ने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ईरान और मुतहिदा अरब अमारात समेत बहुत से ममालिक का दौरा किया जहां उसके काम को बेहद सराहा गया। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, मलिका बरतानिया और दीगर ममालिक की मुक्तदर शख्सियात ने बराह रास्त अरशद मुगल से न सिर्फ राबिता किया बल्कि तारीफी खतूत भी भेजे। लेटर आया था बिल क्लिंटन साहब का, तो जब मैं वहाँ गया हूँ तो वो तकरीबन 4 माह में उधर रहा हूँ, मीडिया में मुझे कवरेज भी मिली है और वाइट उनके साथ मेरी होल्ड हुए, फ़ोन हुए और एक अच्छा तल्लक बने जो कि आज तक है मैं, तो मैं कहता हूँ मेरे काम को वो लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। अरशद ने कमोबेश 16 मरतबा दुनिया को चैलेंज किया। अमेरिका के सबसे महंगे अखबार डेली न्यूज में उसकी तारीफ और तौसीफ से भरा पूरे सफे का आर्टिकल शाया हुआ जिसमें अरशद को मास्टर ऑफ माइक्रो आर्ट का खिताब दिया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अरशद का नाम इसलिए दर्ज न किया जा सका कि उसका रिकॉर्ड नाकाबिले तस्खीर था। कौमी पिन के हेड के ऊपर जो सबसे पहले एक तस्वीर बनती थी उसके ऊपर आज 10,000 तस्वीरों की जगह है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये कहना था कि आपका जो रिकॉर्ड है अनब्रेकेबल है, तो हम आपका नाम नहीं दे सकते हैं जब तक इसका रिकॉर्ड को दूसरा बंदा न तोड़े। अरशद को ये भी एजाज हासिल हुआ कि वर्ल्ड बैंक के सदर दरवाजे पर लगा पीतल का हैंडल उसका तैयार करता है, जबकि दुबई एम्बेसी के मेन गेट पर आवेजा अमारात का कौमी निशान भी उसके ही हाथों का करिश्मा है। उसके घर आने वालों में कई मुल्कों के सफारतकारों समेत पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। अरशद इकबाल मुगल का काम यहीं खत्म नहीं होता। उसने अपने हाथों से तैयार की गई मशीनरी से, लकड़ी से ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक किए कि जिनको देख कर इंसान दाद दिए बिना नहीं रह सकता। लकड़ी से तैयार किए गए बुद्धा, सरस्वती देवी, जोसेफ और मरियम अलैहिस्सलाम के ये मुजस्समे उसकी फनकाराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। अरशद ने माइक्रो एंग्रेविंग में अपने ही बेटे को जानशीन बनाया है। हमारा आर्ट जो है वो बहुत यूनिक है जो दुनिया में सिर्फ मेरे फादर और मैं कर रहा हूँ, और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि इस आर्ट को मैं आगे और बेहतर तरीके से कर सकूं। अरशद मुगल की दो बेटियां भी फाइन आर्ट की तालिबात हैं। दोनों बहनें अपने काम में अपने वालिद की तरह माहिर हैं। मरियम ऑयल पेंटिंग जबकि सबा मिनिएचर आर्ट की माहिर है। अरशद इकबाल मुगल को आसूदा हाल मुल्कों में काम करने और खतीर रकम की पेशकश की गई, लेकिन अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत की खातिर उसने सब कुछ ठुकरा दिया, जिसकी गवाही अजीम फनकार के घर का गोशा गोशा दे रहा है। मेरे ज़हन में ये होता था मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूँ जाके, और मैं ये नहीं देखता था कि जी मैंने दौलत बनानी है, मतलब दौलत के पीछे अगर लगता तो फिर ये काम इतने इस लेवल पर मैंने पहुँच सकता था। अरशद इकबाल को इस बात का अफसोस है कि एक दुनिया उसके फन के कदरदान है, लेकिन उसकी अपनी ही हुकूमत ने उसके लिए कुछ नहीं किया। इनका काम करना पड़ता है, कभी कोई आर्ट पीस का वो करना पड़ता है। अभी जरूरत के लिए मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो मेरे ज़हन से हट गए हैं। मरियम, सबा और अली को भी हुकूमत वक्त से यही शिकवा है, सपोर्ट ही नहीं करी कि हम लोग को आगे कुछ कर सकें इस काम को लेके। हमारे जो गवर्नर हैं वो खुद आर्ट के बहुत दिलदादा हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रमोट करें। अफसोस इस बात का है कि हुकूमती सतह पर इस आर्ट की सरपरस्ती नहीं हो रही, और मैं चाहता हूं कि इस आर्ट को मुकम्मल तौर पर जाना जाए। अरशद इकबाल मुगल का फन बिलाशुबा अपनी तर्ज का वाहिद फन है, और इस फन की हुकूमती सतह पर पजीराई से ही ऐसा अजीम फनकार गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बाहर आ सकता है। हुकूमती सतह पर फन की पजीराई तो की जाती है, लेकिन फनकार को यकसर फरामोश कर दिया जाता है। हालांकि फन उसी सूरत में हकीकी मानों में परवान चढ़ सकता है जब फनकार आसूदा हाल हो और उसकी कद्र की जाए। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के साथ रिफत अब्बास, सिटी 42।